नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आज हम संस्कृत भाषा के कुछ सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, यह हमने हिंदी वाले जो वीडियो देखे हैं या हिंदी के जो ग्रामर है उसमें हमें पढ़ने को मिला कि भाषा एक क्या है, किसे कहते हैं। तो वैसे भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के जो भाव है उनको बोलकर लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो आज हम संस्कृत भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो संस्कृत भाषा है ये कौन से शब्द से बनी है, और संस्कृत भाषा को अलग अलग विच्छेद करने पर ये कौन सा रूप सामने आता है। तो जो संस्कृत शब्द है ये संस्कृत शब्द सम क्री और कत, इन तीन शब्दों से बना है। जो सम ये उपसर्ग है, और जो क्री शब्द है ये धातु है, और ये जो कत है यह है प्रत्यय है। तो दोस्तों संस्कृत जो भाषा है ये उपसर्ग सम उपसर्ग से, क्री धातु से और कत प्रत्यय से बना है। यानी सबसे पहले तो बात यही है कि संस्कृत जो भाषा है वो किन शब्दों से बनी है। तो सम क्री और कत, इनको जोड़ कर के संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत भाषा के उपनाम कौन कौन से हैं, संस्कृत भाषा को और कौन कौन से नामों से संबोधित किया जाता है, संस्कृत भाषा के उपनाम यानी इस भाषा को हम दूसरे कौन से शब्दों से उच्चारित कर सकते हैं। तो संस्कृत भाषा को हम देवभाषा, देववाणी, भारती, देवभाषा, देववाणी और भारती, इन नामों से हम संबोधित करते हैं। यानी संस्कृत भाषा के उपनाम कौन कौन से हैं, देवभाषा, देववाणी और भारती। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है सभी भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है, जननी का अर्थ है माँ। यानी संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा की जननी इसीलिए कहा जाता है कि जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है, उत्पन्न हुई है। यानी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली है, जो मूल भाषा है या जो संस्कृत भाषा है वो मूल भाषा है। यानी जो संस्कृत भाषा है यह है मूल भाषा है, अन्य जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों संस्कृत जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात ये कर रहे हैं हम संस्कृत भाषा के बारे में, संस्कृत क्या है, संस्कृत सम और समक्री और कत प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत सम जो उपसर्ग है उपसर्ग, और क्री जो धातु है धातु, उसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। हिंदी में उसे हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में उसे हम क्रिया पढ़ते हैं। और जो कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है।
तो कत् प्रत्यय का तय शेष रहता है, ये जो कत् प्रत्यय है कत् प्रत्यय का तय शेष रहता है, सम जो उपसर्ग है और क्रि जो धातु है, कत् जो प्रत्यय है, ये संस्कृत शब्द बना है इन सब से। और जो उपनाम है संस्कृत भाषा के, देव भाषा है, देववाणी है और भारती है, और हम इसको संस्कृत भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा है जो संस्कृत भाषा, देव भाषा, देववाणी और भारती, इन शब्दों का यानी ये एक ही बात है, संस्कृत भारती और देव भाषा देववाणी, ये संस्कृत के ही उपनाम है, दूसरे नाम हैं। तो दोस्तों संस्कृत जो भाषा है, इस भाषा को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अब जो वर्तमान समय चल रहा है दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा हो रही है, अब तुरंत भर्ती आ रही है, या तुरंत जो मेरे साथी है, जो शिक्षक साथी है, जो मेरे सहयोगी है, या मेरे जो साथ वाले बच्चे हैं, मेरे सहयोगी है, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। तो संस्कृत का जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, जिन मेरे साथियों ने भाषा को चुना है रीट के अंदर, जो रीट की परीक्षा हो रही है, रीट 2021 की जो अब भर्ती हो रही है, कुछ दिनों के बाद 26 सितंबर को जो पेपर होगा, उसमें जो भाषा फर्स्ट और भाषा जिन्होंने सेकंड, ये जो चुनी है मेरे दोस्तों ने, मेरे सहयोगियों ने दोस्तों, जो भाषा संस्कृत जिन्होंने सेकंड चुना है, या भाषा फर्स्ट जिन्होंने चुना है संस्कृत को, तो उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए ये जो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों हम सामान्य से अध्ययन कर रहे हैं, जो रीट में आएगा 2021 के अंदर, जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य सा ज्ञान अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों रीट जो 2021 का है, उसमें सामान्य में बिल्कुल आसान सा पाठ्यक्रम, तो देखते हैं हम। तो दोस्तों जो रीट 2021 के अंदर साथी जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये बात है, उन्हें पता होनी चाहिए कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं, जो भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, हमारा जो पाठ्यक्रम है वह क्या होगा। सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह कितना है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सबसे पहले हमें यह पता करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 5 अंक का, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है संस्कृत भाषा को हम पढ़ रहे हैं भाषा सेकंड में या भाषा फर्स्ट में, जो संस्कृत संस्कृत भाषा हम पढ़ रहे हैं, कितने अंकों की आएगी, वो 30 अंक की आएगी। 30 अंक की दोस्तों आएगी संस्कृत भाषा फर्स्ट या संस्कृत भाषा सेकंड रीट 2021 के अंदर। तो जो 15 अंक की आएगी व्याकरण दोस्तों, 15 अंक की आएगी व्याकरण, और 15 अंक की हमारी आएगी शिक्षण विधियाँ, यानी 15 अंक की आएगी व्याकरण और 15 अंक की आएगी शिक्षण विधि। जो 15 अंक की जो व्याकरण आएगी, उसमें दोस्तों क्या क्या हमसे पूछा जाएगा व्याकरण के अंदर, 30 अंकों का जो 30 अंक की जो व्याकरण होगी, उसमें 15 अंकों को हम बांट रहे हैं, 15 नंबर की व्याकरण आएगी, 15 नंबर की हमारी संस्कृत की शिक्षण विधि आएगी। तो जो 15 नंबर की आएगी, उसमें 5 अंक का हमें करना होगा प्रश्न संख्या 1 गद्य भाग का, एक यानी जो गद्य आएगा, एक गद्य भाग का आएगा, उसमें से 5 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। और 5 अंक का आएगा हमारा, 5 अंक का एक पद्य भाग आएगा, यानी एक श्लोक आएगा, वो भी उसमें भी 5 नंबर
आएंगे और पांच ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो पांच अंक के गद्य भाग से पूछे जाएंगे, पांच अंक के पद्य भाग से पूछे जाएंगे। जो पद्य भाग के पूछे जाएंगे, ये एक पद्य एक श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा, उस श्लोक के अंदर हमसे छंद संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये पूछे जाएंगे। यानी जो पांच अंक का पद्य भाग आएगा उसमें हमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये आदि छंद ये पूछे जाएंगे। तो जो पांच अंक का होगा हमारा, जो पांच अंक का हमारा जो और बचा है वह आएगा वर्ण विचार का, पांच अंक का, पांच अंक वर्ण विचार, वर्ण विचार से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये 15 जो अंक आएंगे हमारे व्याकरण से आएंगे और 15 अंक की होगी हमारी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। जो संस्कृत भाषा में 30% पूछे जाते हैं, कभी कभी ये तो पूछा जाता है जो व्याकरण भाषा है हमारी संस्कृत है, संस्कृत जो व्याकरण है उससे दोस्तों 18 से लेकर के 20% पूछे जाते हैं, 18 से 20%। यानी 12-13% पीछे की हमने पढ़ा है 2021 से पहले की जो रीट की परीक्षा दी है उन पेपरों को हमने देखा है, उनमें ये पूछा गया है, 12 या 13% शिक्षण विधि से पूछे गए हैं और 18 से 20% संस्कृत की व्याकरण से दोस्तों पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो वर्ण विचार है उन वर्ण विचारों को हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार में सभी आएंगे। वर्ण विचार में हम सामान्य वर्णों को पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण कितने भागों में बंटा हुआ है, जिनमें माहेश्वरी सूत्र भी पूछे जाएंगे, जिनमें उच्चारण स्थान के आधार पर हमें वर्णों को पूछा जाएगा कि कै वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो वैसे तो उच्चारण स्थान में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो अब की बार भी उच्चारण स्थान से प्रश्न निश्चित एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम बात करेंगे वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण में भी हमने वर्ण विचारों का एक वीडियो डाला है, उसमें हमने पढ़ा है हिंदी व्याकरण में जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उनको, और इस संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसमें भी हम वर्ण विचारों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो 5 नंबर का वर्ण विचार आएगा उस वर्ण विचार में हमसे ये वर्ण विचार भी पूछे जाएंगे 5 नंबर का, और उसमें हमें वाच्य भी पूछा जाएगा और वाच्य अनुवाद यानी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में वाक्य दिए जाएंगे और उनका अनुवाद हमसे किया जाएगा, और उसके बाद अशुद्धि संशोधन किया जाएगा, अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन हमसे पूछा जाएगा और शुक्ति हमसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों संस्कृत भाषा है जिनमें जो 30 नंबर का है हमारी रीट की परीक्षा के अंदर, रीट 2021 के अंदर जो रीट परीक्षा होगी उसमें जो पाठ्यक्रम है 30 अंकों का, उनमें 15 नंबर के ही व्याकरण हमसे पूछी जाएगी। तो 15 नंबर की जो व्याकरण पूछी जाएगी, व्याकरण के अंदर 1% गद्य भाग का आएगा 5 अंकों का, 1% पद्य भाग का आएगा 5% आएगी 5 नंबरों के, और जो पद्य भाग का उसमें संधि समास छंद उपसर्ग प्रत्यय ये पूछे जाएंगे, और 5 अंक का जो वर्ण विचार आएगा वर्ण विचार के अंदर दोस्तों ये सारे हमसे पूछे जाएंगे, वाक्य शुद्धि अशुद्धि संशोधन वाच्य अनुवाद सुक्ति वर्ण विचार इनसे हमें पूछा जाएगा। तो आज हम इतना ही अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, आगे हम और अध्ययन करेंगे। जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का जो पाठ्यक्रम है रीट 2021 का, उस रीट 2021 के पाठ्यक्रम में हम जो पढ़ेंगे 15 नंबर की जो व्याकरण होगी, तो दोस्तों मैं आपको ये 15 नंबर की जो व्याकरण है बिल्कुल आसान सीधे साधे सरल शब्दों में, मैं मेरे शब्दों में मेरे विचारों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।